Hello viewers, welcome back to our YouTube channel. This is Ankita Mukherjee, Academic Counselor of Blossom Global Education. After going through lot difficult situation, now Bangladesh is experiencing lot of peace and has returned to their normal way of life. इस नजरिया को दायरे पर रखते हुए एक brave student ने ये decide किया है कि MBBS का उसका जो सफर है वो बांग्लादेश से start करेगा। तो ऐसी एक स्टूडेंट के साथ आज हम आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। उसका नाम है लमिया पटेल। हेलो लमिया, हाउ आर यू? आई एम फाइन। व्हाट्स आर यू फीलिंग राइट नाउ? अ बिट नर्वस एज द सिचुएशन ओवर देयर वाजंट दैट गुड फॉर फ्यू डेज। लाइक नाउ इट्स काम ओवर देयर, सो लेट्स इट्स कनेक्टेड। पिछले बार तो तुम्हारे भैया गए थे बांग्लादेश, आफ्टर दैट वैसे डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हुआ वहां पर, तो वो नजर वो चीज को देखते हुए तुमने इतना बड़ा डिसीजन कैसे लिया, कौन से पर्सपेक्टिव से लिया, वो जरा शेयर करना। सी देयर आर मेनी पॉइंट्स टू बी ऑनेस्ट, लाइक द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ओवर देयर इट्स मच बेटर देन अदर यूरोपियन कंट्रीज एज वी कंपेयर इट, एंड ऑल्सो द चीपर प्राइस ओवर देयर, लाइक फॉर द स्टूडेंट्स हु कैन अफोर्ड इट इजीली। हियर वी हैव टू पे अ लॉट, इवन इन अदर कंट्रीज वी आर पेइंग अ लॉट ऑफ मनी, but in Bangladesh we comparatively have to pay less. Also the environment over there, like the students were kept pretty safe throughout the protest, international students weren't touched, so it was better as compared, like if it was any other country maybe the students would have been connected. So Lamia, tum Bangladesh mein kaun se college choose kiye ho? Bikrampur Bhuiya Medical College. Okay, so next year ka jo student rahega, जो लोग अभी डरे हुए हैं, तो इसके लिए तुम क्या सजेशन देना चाहोगे तुम्हारे तरफ से? I had a conversation with my brother, so like he said everything is calm over there. Anyone can take, like whoever is choosing MBBS and wants to pursue out of India, they should opt for it. Like Bangladesh is a pretty good country. It's calm over there. Like the government is also changing over there. Now it's like a new government. Also it's like nearby. You can come and go like anytime. Other countries will take time to travel. Okay, Lamia, best of luck for your future. Thank you. Good morning, sir. Good morning. So, आपका तो पिछले कुछ ही दिन पहले नियाज गए थे बांग्लादेश में, तो after that जो situation वहाँ पर हुआ, फिर कौन से perspective में आप सोच कर मतलब लमिया को वहाँ पर भेज रहे हैं? एक्चुअली जो वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था वो लोग का इंटरनल प्रॉब्लम था, और जो कॉलेज में नियाज गया है ये प्रॉपर ढाका से थोड़ा आउटर में था, तो वो लोग को कोई भी प्रॉब्लम फेस करने का जरूरत पड़ा नहीं, और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो लोग ये लोग का बहुत ही केयर लिया, और ये लोग को बाहर कहीं भी जाने नहीं दिया, वो लोग का खाने पीने तमाम चीज़ का वो लोग कंट्रोल अपना रखा, और साथ में हम लोग के साथ में भी वो लोग का इंटरेक्शन थोड़ा बहुत रहा, इसको वजह से उसको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और फिर वो लोग अपना पूरा जिम्मेदारी लेके नियाज को बॉर्डर तक ला के इंडिया में इन करा के फिर वो लोग वापस चला गए, और ये एक पर्सपेक्टिव था। दूसरा ये है कि एडुकेशन के लिए अब जब गए हैं तो सारा वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो चलता ही रहे, अब उसको अगर देख के हम बैकआउट कर जाए तो फिर मेरे बच्ची का जो एडुकेशन है वो हैम्पर हो जाएगा। तो जो पहले भी मैं बोला हूँ कि वहाँ पे आज कंपेयर टू इंडिया वहाँ एडुकेशन थोड़ा चीप है, और साथ में हम लोग का कंट्री से वो नेवर कंट्री है, तो होपफुली हम लोग का रिलेशन फिर बेटर हो जाएगा। यही सोच लेके मैं फिर से वापस लड़की को भी भेज रहा हूँ, आई होप सब ठीक ठाक हो, और ये लोग का एडुकेशन जो मेन मिशन है उसमें ये लोग सक्सेस देखें वहाँ से वापस। नेक्स्ट ईयर जो बैच जाएगा उन लोगों के लिए आप एज अ पेरेंट्स क्या गाइडलाइंस देना चाहते हैं या फिर एडवाइस करना चाहते हैं? देखिए नेक्स्ट जो जाने वाले हैं वो लोग को भी अभी जो सिचुएशन है उसको वो लोग एसेस तो कर ही रहे हैं, और बच्चा जो लोग 8000 बच्चा वापस आया था सबको ही वापस फिर चला गया, क्योंकि एडुकेशन बंद नहीं होगा और कोई एडुकेशन बंद नहीं होगा, तो उनका पेरेंट और वो जो स्टूडेंट है उन लोग को बैठ के अपना डिसीजन को
देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर कहाँ जाएंगे, अदर डेस्टिनेशन क्या होगा। उनको वो देखना होगा कि ये जो आपका फिनेंशियल ये है, फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, उसमें दूसरा जगह में जहाँ भी वो भेजेंगे वो कंपेरेटिवली बेटर होगा कि नहीं, वो देख के उन लोगों को डिसीजन लेना। ब्लॉसम ग्लोबल के साथ आपका जर्नी कैसा रहा सर? अब तक तो बहुत ही अच्छा रहा है। जो भी स्टाफ हैं, जो मैडम हैं या सर, गोपाल सर, अंकिता मैडम, आपके ये शांति मैडम, और ये इनका नाम भी बता दूँ अभिषेक, तो ये सब के साथ में हमारा तो रिलेशन आज नहीं बल्कि 2 साल से चल रहा है। जब से लड़का लड़की नीट एग्जाम दे रहा है तब से मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, और रिलेशन इसी पे चला है क्योंकि हम दोनों में ट्रस्ट काम किया है, वो ट्रस्ट अच्छा इसे काम किया है अब तक। और जब लड़का वहाँ पे प्रॉब्लम में भी फेस कर रहा था तब भी यहाँ से मुझे सपोर्ट मिला है, और वो लोग अपना पूरा कोशिश किया कि वहाँ पे उसको कोई किसी तरह प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच सर, ग्लोबल टूरिज्म की तरफ से ये सपोर्ट भी मिला है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर इंटरव्यू। बांग्लादेश का करंट सिचुएशन क्या है और ग्राउंड रियलिटी क्या है उसका अपडेट्स कंप्लीटली आपको देने वाले हैं हम लोगों का जो एकेडमिक काउंसलर है मिस्टर आदित्य ओझा। सो हेलो अंकिता जी, हेलो एवरीवन। सो बेसिकली अब जैसे कि लामिया हमारी कैंडिडेट है वो जा रही है बांग्लादेश विक्रमपुर भुइया में, तो अब वहाँ पर हम लोग जाकर ग्राउंड रियलिटी दिखाएंगे वहाँ का, बांग्लादेश का, कि अभी जो इतने प्रॉब्लम्स वहाँ पर हुए तो अब वहाँ पर सब कुछ सही है, वहाँ पर कॉलेज जाएंगे, कॉलेज का सिचुएशन कैसा है, सारी चीज़ें वहाँ की जो भी ग्राउंड रियलिटी है वो हम सारा आपको हमारी चैनल पर बताएंगे। तो गाइज इमिग्रेशन हमारा हो गया है और ही इज मिस्टर गोपाल पाकिरा, ही इज ऑल्सो एन एकेडमिक काउंसिलर एट ब्लॉसम ग्लोबल एजुकेशन। और जी इमिग्रेशन हमारा हो गया और आप देख सकते हैं हमारा बोर्डिंग का भी क्यू लग गया है। तो बेसिकली क्या है, 2 फ्लाइट जाती है बांग्लादेश कोलकाता से, एक सुबह अर्ली मॉर्निंग 6:35 में, और सेकेंड जो फ्लाइट है शाम को जाती है 5 बजे के आसपास। लेकिन हाँ, बस ये है कि अगर आप सुबह पहुँचोगे अर्ली मॉर्निंग बांग्लादेश में तो आपके कॉलेज का जो भी काम है, पेंडिंग वर्क जितना भी सारा रहता है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क, वो आप कर सकते हैं। वरना अगर आप शाम की फ्लाइट पकड़ोगे तो नेक्स्ट डे पे वो बात चली जाती है। ब्यूटीफुल सनराइज के साथ बांग्लादेश जाते हुए हम लोग, तो गाइस हम लोग फ्लाइट में बोर्ड कर गए हैं और 6:35 की फ्लाइट है हमारी और लगभग 45-50 मिनट्स में हम लोग ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, यानी 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। कभी अभी इमिग्रेशन चल रहा है, उनका इमिग्रेशन जैसे हो जाएगा फिर वो यहाँ पर आएंगी। यहाँ पर क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, 10-15 मिनट का प्रोसेस रहता है,
फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन बूथ, तो यहाँ पर 5-10 मिनट 15 मिनट का प्रोसेस रहता है वो पुलिस वेरिफिकेशन का, ये हो जाता है। फिर यहाँ से सीधा जैसे भी हो कैब हो कार किया हो वहाँ से सीधा अपने कॉलेज विजिट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इमिग्रेशन भी कंप्लीट हो गया है, सर और कैंडिडेट बाहर आ गए हैं, अभी जाएंगे हम पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। तो गाइस पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, लामिया का पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है और ये आप देख सकते हैं कि मतलब अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं ऑब्वियसली 179 डेज से अगर आपका वीज़ा कम है तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, अगर 179 डेज से ज़्यादा का आपका वीज़ा है तो आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो किसी भी स्टूडेंट को आना है इसी जगह पर आना है। और अब हम चलते हैं बिक्रमपुर भुइयां कॉलेज की ओर, यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है तो 1 घंटा 10 मिनट या 15 मिनट यहाँ से टाइम लगना चाहिए। तो आगे का मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ और आगे रास्ते में कई सारी बातें भी करेंगे। गाइज फाइनली 1 घंटा हम ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ट्रैवल कर आ चुके हैं बिक्रमपुर भुइयां कॉलेज और ये है कॉलेज का कैंपस। ये ग्राउंड है, क्लासेस चल रही हैं, स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं सारे, कोई क्लासेस के लिए वेट कर रहा है, कोई क्लासेस में जा रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है और काफ़ी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का ये क्वेश्चन था कि इतना प्रॉब्लम बांग्लादेश में अभी 2-3 हफ्ते पहले चल रहा था, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट बोल लीजिए, पॉलिटिकल इश्यूज बोल लीजिए, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स कंसर्न थे कि बच्चों की सेफ्टी है कि नहीं वहाँ यहाँ पर बांग्लादेश में। तो मैं सच बताऊँ तो पिछले 2 घंटे से मैं खुद हूँ बांग्लादेश में और मुझे ऐसा कहीं कोई प्रॉब्लम अब नज़र नहीं आ रहा कि कुछ प्रॉब्लम, हाँ 2-3 हफ्ते पहले प्रॉब्लम थी लेकिन अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि हमारे साथ जो कैंडिडेट आई है लामिया, उनके जो बड़े भाई है वो भी इसी कॉलेज में से बिक्रमपुर भुइयां में स्टूडेंट है और उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है और सब कुछ सेफ है यहाँ पर। तो हाँ आप अगर चाहे तो आप बिक्रमपुर भुइयां को, अब जैसे देखिए बिक्रमपुर भुइयां एक ऐसा कॉलेज है जो बहुत अफोर्डेबल फीस है और रेप्यूटेड कॉलेज है, तो लोग बिक्रमपुर भुइयां को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हाँ उनका चॉइस में ये रहता है। काफ़ी गर्मी है तो मेरा ये सजेशन रहेगा आप जो अगर आप बांग्लादेश अभी अगर आप आना सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं क्योंकि ऐसे रिस्क की कोई भी बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर बच्चा आ सकता है, पढ़ाई अपना कर सकता है और कॉलेज भी बिल्कुल सेफ है।
अब मैं बात करूँ बिक्रमपुर भुइया कॉलेज के फीस की, तो नियरली अबाउट 34,000 USD कॉलेज का फीस है। इंडियन रुपीज में देखे तो 28 लाख रुपीज होता है, और जो हॉस्टल फीस है वो इंडियन रुपीज में 50,000 रुपीज नियरली एवरी ईयर का कॉस्ट आता है। तो 5 साल का देखे तो 2.5 लाख रुपए वो हो जाता है हॉस्टल एंड फूडिंग का। तो टोटल 30-31 लाख में इट्स अ गुड पैकेज टू परस्यू MBBS बांग्लादेश में। इससे अफोर्डेबल मेरे ख्याल से क्या मुझे पता है, बांग्लादेश में इससे अफोर्डेबल किसी कॉलेज में MBBS नहीं होता है। काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है, और सबसे बड़ी बात फैकल्टी जो यहाँ की है वो काफ़ी फ्रेंडली है। तो अगर आप सोच रहे हैं, अगर बच्चा सोच रहे हैं या उनके पेरेंट्स सोच रहे हैं बिक्रमपुर भुइया के लिए, तो इट्स अ बिग थम्स अप। तो कैंडिडेट को जस्ट ड्रॉप करके हम निकल चुके हैं, और फैकल्टी से भी हमने बात कर ली है, सब कुछ लामिया को भी हमने हॉस्टल में सेटल करवा दिया अच्छे से, और वो भी अपने कोर्सेज बढ़िया से कंटिन्यू कर सकती है। तो बस आज की हमारी फ्लाइट है ढाका की, और हम बढ़ रहे हैं, और स्वपन दा है जो कि हमको ट्रैवल में हेल्प कर रहे हैं बांग्लादेश में। तो हमारे थ्रू जो भी बच्चे आओगे स्वपन दा को कॉन्टैक्ट करना, मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, तो यही वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेंगे ट्रैवल के लिए। तो अभी हम लोग एयरपोर्ट आ गए हैं, और 7:15 की हमारी फ्लाइट है, आज ही हम लोग बैक कर रहे हैं कोलकाता। और सारा सिचुएशन आज पूरा दिन हमने ढाका में गुजारा, बिक्रमपुर भुइया हम जाकर आए, और सारा सिचुएशन हमने देखा। तो जैसा हमें लग रहा था कि प्रॉब्लम होगा या कुछ होगा, वो सारा डाउट क्लियर हो गया, ऐसा यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो पेरेंट्स तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि बांग्लादेश आकर अपना करियर परस्यू करने का, तो वो बिल्कुल आ सकते हैं, अभी ऐसा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सेफ है। आप हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है बांग्लादेश के लिए। तो